पिछले साल 2023 में नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है। करीबन 150 गांवों में पानी भरा, वो केवल अतिवृष्टि का और बाढ़ का नहीं था, वो इसलिए भर गया और हजारों घर इसलिए ध्वस्त हो गए। अंदर का सामान, चारा, अनाज सब बह गया। 1200 मवेशियां डूब से मौत के कगार पर ढकेली गई और 6 इंसान भी, जिनमें एक बिटिया थी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अवैध रूप से बैक वाटर लेवल्स बदल दिए गए थे, जो केंद्रीय जल आयोग ने 1984 में लगाए थे उसके बदले 2008 में, और इन वाटर लेवल्स के तक पानी चढ़ाई पर, पुराने वाटर लेवल्स पर पानी चढ़ा। वो बैक वाटर लेवल्स के नीचे के 15,946 परिवारों के घर, जो पहले ही भू अर्जित हुए थे, सरकार के नाम पर चढ़े गए थे, वो भी डूब के बाहर बताकर इनका पुनर्वास आधा अधूरा छोड़ा था। और इसमें बहुत सारे गरीब परिवार, नदी किनारे रहने वाले मछुआरे, धर्मपुरी जैसे नगर के अलग अलग वार्ड्स, ये सब डूब में आ गए। कई दुकानें भी आई, लेकिन ये सब होते हुए सरदार सरोवर का गेट नहीं खोलने का साजिश भरा कार्य हुआ, क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए उनको पानी लबालब भरना था। वैसे ही हुआ ओंकारेश्वर बांध में, जहां आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति रखने के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पानी को रोक के रखने में सहभागी हुए। और फिर ये पानी जब छोड़ा, तब नीचे के केवड़िया, वाघड़िया जैसे गांव भी डूबे, पर भरूच, अंकलेश्वर जैसे शहरों तक पानी गया। तीर्थ भंगार हो गए, खेत डूबे, फसल बर्बाद हो गई। तो ऊपर के स्तर पर जो डूब क्षेत्र है, वहां भी तो बिना भू अर्जन कई हजार एकड़ जमीन की फसलें और जमीन डूब गई, रास्ते डूब गए जिनमें करोड़ों रुपया खर्च किया था सरकार ने। ये सब के लिए कौन है जिम्मेदार और कौन भुगत रहे हैं ये पूरा अन्याय? आज हम लोग उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष पर उतरने के लिए मजबूर हैं। अभी अभी 6 तारीख को बहुत ही अच्छी चर्चा हुई संवादशील आयुक्त महोदय के साथ, जो इंदौर संभाग के आयुक्त हैं, और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का तथा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का, सबकी जिम्मेदारी होते हुए भी क्या निर्णय हुआ है जलस्तर रोकने का, जो जरूरी है आने वाले बरसात में, वह निर्णय हुआ है। सितंबर 2023 से आज तक अहिंसक सत्याग्रही संघर्ष करने के बावजूद, जबकि सवाल नहीं छूटे हैं, हजारों परिवारों के बारे में न्याय नहीं मिला है, तो संघर्ष के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं। नर्मदा घाटी में 30 बड़े बांधों में से सरदार सरोवर जैसे एक महाकाय बांध के विस्थापितों के संघर्ष के करीबन 39 साल पूरे हुए हैं, लेकिन आज भी हम दुखी हैं कि कुछ हजार परिवार आज भी दर्द भुगत रहे हैं, क्योंकि बिना पुनर्वास है, जो अवैध है, अन्याय है, आदिवासी दलितों पर अत्याचार है, और कानून का, सर्वोच्च अदालत के फैसलों का भी उल्लंघन है। हम लोग देख रहे हैं हजारों को जमीन के बदले जमीन का अधिकार मिला, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। हजारों को घर के लिए भूखंड मिला, क्योंकि संघर्ष हुआ। तो घर, प्लॉट और वैकल्पिक जमीन के साथ पुनर्वास पर सुविधाएं, यही तो नर्मदा घाटी के पुनर्वास के मुख्य प्रावधान रहे। लेकिन आज भी कुछ हजार लोग बाकी हैं, सैकड़ों को वैकल्पिक जमीन का अधिकार मिलना बाकी है, कुछ जमीन आवंटित हुई पर फंसाए गए लोग हैं मध्य प्रदेश में या गुजरात में, और कुछ लोगों को तो 2019 में जब पानी भरा तब खींच कर निकाल कर टिन शेड्स में डाला है, जहां करीबन 500 परिवार है जो रह नहीं सकते हैं आज की इस गर्मी में 10x10 के टिन शेड में, बिना पंखे के, पानी और बिजली की सुविधाओं के भी मुश्किलों के साथ।
आज हम देख रहे हैं कि कुछ कुम्हार है, कुछ केवट है, कुछ दुकानदार है, और मछुआरों को मत्स्य व्यवसाय नीति के अनुसार पूरे जलाशय पर जो अधिकार मिलना ही चाहिए संघ को पंजीयन देने के साथ महाराष्ट्र में मिला है, मध्य प्रदेश में नहीं। पहाड़ी पट्टी के हमारे आदिवासी भी बाकी है, निमाड़ के भी बाकी है, तो निश्चित इन सब लोगों के लिए आने वाले बरसात के पहले मेरा